दोस्तों, मैं हूं संतोष निकम और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है बैक बेंचर्स ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स, कल के दिन के मेरे प्रेडिक्शन के साथ में। तो आइए यहाँ पे शुरुआत करते हैं हमारे आज के। शुरुआत करेंगे जो भी लेवल्स कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के हमारे आज के दिन इंट्राडे की ट्रेडिंग के लिए, उसके एनालिसिस के साथ में शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के साथ में। दोस्तों, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में सपोर्ट एक जो है इंपॉर्टेंट, इस ट्रेंड लाइन का डिस्कस किया था और हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया था कि यहां से बाउंस बैक मिलने के चांसेस हैं। और अगर निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो वहीं ऐसे ही एक सपोर्ट को निफ्टी ने ब्रेक डाउन दिया था, तो क्रॉस कनेक्शन आज दोनों इंडेक्स में देखने को मिल सकता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब अगर यहाँ पे पहले बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के पहले 5 मिनट की कैंडल खुलते ही बेयरिश बनी, इसने सपोर्ट क्रिएट किया हमारी मैजिकल लेवल पे और एक इनसाइड कैंडल भी बनी और उसके बाद में एक अच्छा अपट्रेंड जो है वो हम लोगों को देखने को मिला। उसके बाद में हम लोग को कम्प्लीट साइडवेज मूव जो है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिला था। अगर से यहाँ पर बात करेंगे निफ्टी के बारे में तो निफ्टी को हम लोगों ने डिस्कस किया था, निफ्टी ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया है तो ये बुलिश नहीं जाएगी। 19,465 का हम लोगों ने लेवल डिस्कस किया था जिसके ऊपर निफ्टी बुलिश हो सकती थी। आज पूरे दिन भर में नेगेटिव टू साइडवेज ट्रेंड में जो है वो निफ्टी हम लोगों को दिखाई दी, कोई बुलिश ट्रेंड यहाँ पे मार्केट में नहीं दिखाया गया। यानी कि पिछले 3 दिनों से जो लगातार दोनों इंडेक्स में क्रॉस कनेक्शन हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो आज भी हम लोगों को देखने को मिला। हमारी आज के दिन की जो क्लोजिंग प्राइस है दोनों की, इसमें हम लोगों को परसेंटेज वाइज भी काफ़ी बड़ा चेंज जो है वो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दोस्तों, ओवरऑल इन लेवल्स के साथ में हमारी 90% की एक्यूरेसी जो है वो बरकरार है और मेरी कोशिश रहेगी इसे ऐसे ही कंटिन्यू रखने की। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है, जहाँ पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर दीजिएगा। और एक चीज़ गाइस, अगर से आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट में पाना चाहते हैं, अगर से आप लोगों ने नहीं देखी है मेरी एक्यूरेसी तो एक बार YouTube को स्क्रॉल करके देख लीजिए और Telegram को भी स्क्रॉल करके देख लीजिए। मेरी प्लैटिनम प्रीमियम सर्विसेज जो कि स्पेशलाइज्ड है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस पे, इसे आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अकाउंट ओपनिंग का। आप लोग को एक नया डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन करना होगा मेरे दिए गए लिंक थ्रू और आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, कल हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी है और जैसे कि काफ़ी सारे वीडियोस में मैं आप लोग के साथ में डिस्कस करते रहता हूँ कि ट्रेंड एनालिसिस के लिए मैं निफ्टी के इंडेक्स को जो है वो प्रेफर करता हूँ। यहाँ पर एनालिसिस करके मैं ठहराता हूँ मार्केट का आज का ट्रेंड बुलिश होने वाला है या फिर बियरिश होने वाला है, और फिर अकॉर्डिंगली व्यू बना करके मैं फिर पर्टिकुलर उस इंडेक्स का एनालिसिस करता हूँ जिस पर हम लोगों को ट्रेड करना है। अब अगर निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे एक मॉर्निंग डोजी स्टार का पैटर्न हम लोगों को दिखाई दे रहा है और एक ट्रेंड लाइन पे भी दिखाई दे रहा है। एंड ऑफ द डे एक अच्छा वॉल्यूम भी ट्रेड हुआ है इसके एवरेज वॉल्यूम से। सो कल मुझे यहाँ से उम्मीद लग रही है कि मार्केट एक हल्का सा बाउंस बैक जो है वो क्रिएट करेगा। ओवरऑल हम लोग इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से मार्केट कल बुलिश ट्रेंड में रहने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। अब इसे बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट करना चाहिए। क्यों मैं ऐसे बता रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे 0.25% माइनस क्लोजिंग दिया है, फिर भी निफ्टी बुलिश हो सकती है और पॉजिटिव में क्लोजिंग देने के बावजूद बैंक निफ्टी नेगेटिव हो सकती है। क्यों कैसे हम लोग आगे जा करके डिस्कस करने वाले हैं। अब निफ्टी में यहाँ पे पैटर्न तो हम लोगों ने डिस्कस किया, पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ से एक कल के दिन में एक्सपेक्टेड है। नहीं होता है तो ट्रेंड लाइन भी आप लोगों को दिखाया है और नीचे के साइड के लेवल्स भी, अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो सेल साइड में एंट्री कर लेंगे। थंबनेल देख करके कोई भी एंट्री जो है वो नहीं करेगा। एंट्री करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर लेवल्स दिए गए हैं, लेवल के बेसिस पर और प्राइस एक्शन के बेसिस पर हम लोगों को यहाँ पर काम करना होता है। 19,430 के ऊपर यहाँ पे निफ्टी बुलिश रहेगी। 19,487, 19,544, 19,603 और 19,688 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 19,400 के नीचे निफ्टी वीक रहेगी। 19,367, 19,313, 19,271 और 19,210 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स होने वाले हैं। तो दोस्तों, जब भी आप लोग मेरे लेवल्स के साथ में ट्रेड करते हैं तो कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझ के लेनी है। जैसे कि उसमें से पहले चीज़ ये है,
कि अगर से ये हम लोगों का बाय अबोव का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल जो है वो इसका हाई ब्रेक करेगी तो तब हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री जो है वो मैनुअली ले लेंगे, ना कि ऐसे लेवल्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को या फिर इन नंबर्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो पहले से लगा करके रखेंगे, क्योंकि मैजिकल लेवल्स के साथ में प्राइस एक्शन का सेटअप होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ में अगर ये हम लोगों का अगर स्टॉप लॉस का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल हमारे लेवल्स के नीचे क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तो मैनुअली हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो ट्रिगर करने वाले हैं। साथ में दोस्तों जो भी 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सारे के सारे स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड स्टॉक्स है। इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स को या फिर इनके ऑप्शंस को अपने रडार पे रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स और इनके ऑप्शंस को भी अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर आप लोग ऑप्शंस को सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस आप लोग सेलेक्ट करोगे वो या तो इन द मनी होनी चाहिए या तो एट द मनी होनी चाहिए, क्योंकि आउट द मनी पे ट्रेड करने के सेटअप्स और लॉजिक जो होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, उसका डेल्टा भी बहुत कम होता है। सो बीइंग बिगिनर आप लोग को ये गलती जो है वो नहीं करनी चाहिए। साथ में जो भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सारे के सारे फ्यूचर के चार्ट पे डिस्कस करते हैं। फ्यूचर पे क्यों डिस्कस करते हैं, इसका मेन मीनिंग यही है, इसका रीजन मेन यही है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा रहेगा मैं अपने हर वीडियो में आप लोग को वॉल्यूम दिखाते रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट ट्रेड्स करें तो आप लोग वॉल्यूम का जरूर ध्यान रखें कि जब ब्रेकआउट हो रहा है तब वॉल्यूम है कि नहीं है उसमें। और साथ में दोस्तों जो भी आप लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली कंपेयर टू स्पॉट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली चलते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे आपके ट्रेडिंग में जो है इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो होने वाली है। साथ में जो भी लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं अगर आप लोग इन्हें लिख करके रख रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है गाइस, इसे आप लोग को लिख करके नहीं रखना है, अपने चार्ट्स पे इन्हें ऐड कर देना है ताकि लाइव मार्केट आज में जब कभी भी प्राइस एक्शन का सेटअप हम लोग के मैजिकल लेवल्स के साथ में बने तो प्राइस एक्शन को कैच करने में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगर से बात करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में, तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कल के वीडियो में कि बैंक निफ्टी सपोर्ट पे थी और निफ्टी ने सपोर्ट ब्रेकडाउन किया था, उस हिसाब से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट से बाउंस बैक क्रिएट किया, और जबकि बैंक निफ्टी बुलिश थी नेगेटिव ट्रेंड में निफ्टी नहीं जा पाई थी, लेकिन निफ्टी पॉजिटिव भी टर्न नहीं हुई थी। कुछ ऐसा ही पैटर्न आज हम लोग को अगेन जो है वो देखने को मिल रहा है। अब निफ्टी क्यों पॉजिटिव हो सकती है हम लोगों ने डिस्कस किया है, और बैंक निफ्टी नेगेटिव क्यों हो सकती है इसका रीज़न है यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन और डिक्रीज होता हुआ वॉल्यूम जो है पूरे दिन भर में, यानी कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन मिल जाता है तो फिर हम लोगों को कल और एक क्रॉस कनेक्शन देखने को मिल जाएगा और बैंक निफ्टी में यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिल सकता है। हाल फिलहाल में सपोर्ट के लेवल पे एक इनसाइड कैंडल का पैटर्न हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी कल अच्छा बुलिश ट्रेंड हम लोगों को दिखाती है और यहाँ पे हमारा लेवल एक्टिवेट हो जाता है तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी को फॉलो करने के ज़्यादा चांसेस है, इसका मतलब एक पॉजिटिव ट्रेंड की कल हमें मॉर्निंग में उम्मीद है। 43,730 के ऊपर यहाँ पे बैंक निफ्टी बुलिश रहेगी, 43,809, 43,900, 44,000 और 44,128 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स होने वाले हैं। तो 43,657 के नीचे बैंक निफ्टी वीक रहेगी, 43,568, 43,448, 43,331 और 43,223 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स होने वाले हैं। सो दोस्तों वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स, कल के दिन के मेरे प्रिडिक्शन के साथ में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है, जहाँ पर आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।